गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। दिस इज द चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायो। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन, द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। द प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर? न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ऑन फूड विद सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, दिस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ऑन फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, मिनरल साल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ओके, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स आर प्लांट्स। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक। ओके, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, सो प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। Plants can make their own food in the presence of sunlight and chlorophyll using carbon dioxide and water. Okay? Yes? Clear? Autotrophic nutrition. Next is heterotrophic nutrition. The process in which organisms cannot make their own food. Okay? It is directly or indirectly depends on autotrophs for their food. Okay? And the organism that cannot make their own food are called autotrophs. The example of autotrophs are animals, or we can say that also includes human. Okay, so write the definition of this. The process in which organism do not have the ability
टू मेक देयर फूड, टू मेक देयर फूड, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड. ओके, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. द एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉफ्स आर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, ओके, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक. ओके, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप. ओके, वी राइट हियर. Saprophytic, okay, parasitic, holozoic and symbiotic. Clear? Detailed study of this we will discuss one by one. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. यस स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वी हैव डिस्कस दैट कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. सो दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज दिस? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूज इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and convert it into a high energy molecule carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, this is called photosynthesis. This process is called photosynthesis. Okay, the process in which plants use inorganic materials like carbon dioxide, water and convert it into a high energy molecule carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. High energy molecule carbohydrate that are prepared by plant are stored by the plant in the form of starch. This high energy molecule are stored by plant in the form of starch. And while in human being, energy is stored in the form of glycogen. Okay, so in plants, energy is stored in the form of starch, and in human beings, energy is stored in the form of glycogen. Okay, humans ke andar energy jo hai,
ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगी और प्लांट्स के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च के फॉर्म में. ओके, नाउ वी इफ वी से द इक्वेशन फॉर दिस. ओके, सो दे प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल and form high energy molecule carbohydrate and release oxygen. Okay, if you balance this equation, okay, there is 6 carbon, okay, and hydrogen 6. Okay, and water molecules also there 6. Clear? And also release some water. Clear? Okay, students. Yes. Equation balance नहीं हुई ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 water के molecules use होंगे. Water के 12 molecules, carbon dioxide के 6 molecules. क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी हम इसको बोल सकते हैं, ग्लूकोज का ही टाइप है कार्बोहाइड्रेट. ओके, वाटर एंड ऑक्सीजन. तो अगर हम इसके रॉ मटेरियल की बात करें कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो रॉ मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल. ओके, तो ये तो क्या होगे? रॉ मटेरियल्स होगे. सनलाइट क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है. क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्सॉर्ब द सनलाइट, एब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. वी कैन से दैट एब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सन. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? एंटरथ्रोस्टोमेटा. ओके, वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ जितने भी मिनरल्स वगैरह जो सॉइल में प्रेजेंट है वो भी क्या होंगे? एब्सॉर्ब होंगे, है ना, प्लांट्स को मिलेंगे. ओके, क्लियर? डिसॉल्व जितने भी मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, है ना, वो जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वो भी प्लांट्स को मिल जाएंगे. तो ये होगी इसकी इक्वेशन फॉर्म. तो रॉ मटेरियल इसके ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स इस फोटोसिंथेसिस के ये रॉ मटेरियल है, तो प्रोडक्ट्स क्या होगे? इधर वाले साइड वाले प्रोडक्ट्स होगे. तो हमें क्या मिल जाए? कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड. ओके, साथ में क्या मिल रही है हमें? ऑक्सीजन. इन सम प्लांट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो टेक प्लेस, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोटीन इज ऑल्सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन नाइट्रोजन इज असेंशियल. ओके, वी नो दैट की नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अवर एटमोस्फियर. इन 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अवर एटमोस्फियर, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन, दिस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म टू मेक प्रोटीन. सो फर्स्ट सम बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन सॉइल दैट कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट और नाइट्राइड्स, टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर उसको वो क्या कर देते? कन्वर्ट कर देते. प्लांट्स क्या है? नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं. सो जो बैक्टीरियाज जो है वो क्या करेंगे? जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे. सो दैट प्लांट कैन यूज दिस नाइट्रोजन एंड मेक प्रोटीन. तो प्रोटीन मेनली किन प्लांट्स में होगी? जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि पल्सेस वाले जो भी प्लांट्स हैं, उनसे भी प्रोटीन मिलती है. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर? नाउ वी डिस्कस इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब कौन कौन से इवेंट्स होंगे फोटोसिंथेसिस के टाइम? यस स्टूडेंट्स, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो
तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे? फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, सन की लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। आफ्टर दैट कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। After that, the light energy convert into chemical energy and water molecules break into hydrogen and oxygen. हमने कहा ना water molecule यूज हो रहा है और किसमें ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ओके, इट स्प्लिट्स इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? यस, ओके। एंड नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। रिडक्शन मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। आपने रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर रीड की होंगी, लर्न की होंगी बेटा। यस, रिडक्शन मीन्स, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, हाइड्रोजन एड होंगी। ओके, तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? नेक्स्ट इज, सो दीज आर द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, आफ्टर दैट लाइट एनर्जी कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी एंड वॉटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। सम सेल्स ऑफ द लीफ कंटेन ग्रेन डॉट लाइक स्ट्रक्चर विच आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल विच आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कहां होगा, जहां पर भी ग्रेन डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है लीफ में, वहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सो वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। ओके, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। सो द सम सेल्स ऑफ द लीफ कंटेन ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर विच आर द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल दैट आर एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लीफ इज नोन एज एपिडर्मिस। दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, उसके नीचे जो सेल्स है यहां पर इसमें ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद ये पेरिसाइट टिश्यू हो जाएगा और नीचे यहां पर क्या, लोअर सर्फेस पे क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। व्हाट इज स्टोमेटा? हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, एंटर हो रही है प्लांट के लीफ में, है ना, तभी वो फूड बना रहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और उसी के साथ हमें क्या, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटास क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट स्टोमेटा इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, what is stomata? So the exchange of gases take place through stomata. What is stomata? We will discuss in our next video. Okay, beta. I hope you understand this topic. So students, watch video carefully, read chapter from book, and prepare notes of this chapter in your notebook. Thank you, students. Have a nice day.